तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ Vivo Pro कबड्डी लीग का आज के दिन का तीसरा मैच और टूर्नामेंट का 126वां मैच, जो कि खेला जाएगा दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में, यानी कि नंबर वन और नंबर टू टीम के बीच में, यानी कि जो अभी टेबल टॉप कर रही है और जो मतलब थोड़े दिन पहले टेबल टॉप कर रही थी उन दोनों टीम्स के बीच में। तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कोई एक यार छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि देखो यार मतलब रिक्वेस्ट क्या है यार, कुछ भी आप मान सकते हो, पड़ोस में यार शादी है तो मतलब वहां से सॉन्ग वगैरह की अगर आवाज आए तो प्लीज यार इस डिस्टरबेंस का मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखो शादी वादी तो यार भाई सभी मनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई हमें अपना काम करना है, मैं आपको अपना काम कर रहा हूं, तो आप भी बस वीडियो के ऊपर फोकस करना, ना कि भाई इरिटेट होने के ऊपर फोकस करो कि मतलब कभी बोलो कि यार भाई साइड से ज्यादा नॉइस आ रही, भाई इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और इसीलिए भाई मैं बोल रहा हूं कि देखो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। और सबसे इंपॉर्टेंट काम देखो, अगर आपको वीडियो में कुछ भी दिक्कत आती है, वीडियो में आप कुछ भी डाउट आपके क्लियर नहीं होते, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर से जरूर दिया जाएगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हर कबड्डी मैच की चार ग्रैंड लीग की टीम आपको भाई आपके लिए लेके आता है, और चार ग्रैंड लीग की टीम यानी कि आपके लिए जैकपॉट विनिंग का बेहतरीन मौका। और अभी तक जीएल विनिंग की बात करें तो भाई पटना के बारे में तो बात ही मत करो, क्योंकि पटना की टीम मतलब जो पटना का मैच था उसमें ही हमने यहां पर बेहतरीन जीएल विनिंग की हुई है। आप यहां पर देख सकते हो नंबर दो रैंक हमारी है, नंबर एक रैंक भी हमारी है। पटना का ही मैच है, पटना वर्सेस किसका मैच था भाई ये एक बार में दोबारा, पटना वर्सेस बंगाल का। तो यहां पर आप देख सकते हो मतलब जैकपॉट विनिंग आपके भाई ने आपकी करवा रखी है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल सीधा सा ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको चार जीएल की टीम मिलेंगी। जैसे ही लाइनअप आउट हो जाएंगी, स्टार्टिंग सेवन हमारे सामने आ जाएगी, तो तुरंत मैं आपको चार जीएल की टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की पॉइंट टेबल में। पोजिशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नंबर वन और नंबर टू पर है। तो भाई सॉरी भाई, अगर दबंग दिल्ली ये मैच विन करती है तो भाई यहाँ पर नंबर दो पर ही बने रहेंगे, अदरवाइज भाई यहाँ पर कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, क्योंकि बंगाल का मैच सॉरी बेंगलुरु बुल्स का मैच है, यूपी ओदा का मैच है, हरियाणा स्टीलर्स का मैच है। तो अगर यहाँ पर ये मतलब मैच हारते हैं तो भाई इन तीनों में से कोई भी अगर टीम अपना मैच विन करती है तो भाई इजिली टॉप टू में आ जाएगी, ठीक है। मतलब टॉप थ्री पर आना कन्फर्म हो जाएगा आज दिल्ली का थर्ड पोजिशन पर आना, अगर भाई ये मैच नहीं विन करते, क्योंकि देखो हरियाणा वर्सेज जो बेंगलुरु बुल्स का मैच है, अगर इनमें से जो भी टीम जीतेगी ना वो भाई सीधी सीधी नंबर दो पर आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर दबंग दिल्ली के लिए मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पटना ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन भाई वो अपनी मतलब बेंच स्ट्रेंथ को इतनी मजबूत टीम के अगेंस्ट में चेक नहीं करेंगे, वो भी भाई अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। तो चले भाई अब बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम ने लास्ट मैचेज में क्या परफॉर्मेंस दे रखी, ये देखना भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको आगे पता लगने वाला है, क्योंकि देखो भाई अगर हम दोनों टीम्स के यहाँ पर परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे ना तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि कौन सी टीम अभी तक मतलब क्या परफॉर्मेंस कर रही है और कौन सी टीम के परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे करने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दबंग दिल्ली, देखो भाई अभी मैं आपको दोनों टीम्स के लास्ट मैचेज की, सिर्फ लास्ट मैचेज के यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करूंगा। अगर आपको भाई देखो अगर आपको 100% विनिंग चाहिए तो भाई आप लास्ट के चार या पाँच मैच देख लीजिए, 100% आपकी विनिंग हो जाएगी। इनके अगर आप देखोगे पॉइंट्स तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर यहाँ पर आपके लिए क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो विजय मलिक यहां पर स्टार्टिंग सेवन में थे, चार टच पॉइंट लिए, चार बोनस टोटल 8 पॉइंट लिए। मंजीत की बात करें तो भाई मंजीत ने यहां पर भाई देखो आप देख सकते हो 3 टच पॉइंट लिए, 1 टैकल और 3 बोनस, टोटल भाई 7 पॉइंट लिए। नीरज नरवाल की बात करें तो 1 मतलब टच पॉइंट, 2 बोनस पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट लिए। संदीप नरवाल ने 2 टैकल किए, 1 यहां पर बोनस पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट लिए। इसके अलावा जोगिंदर सिंह नरवाल ने अगेन 2 टैकल किए। नवीन कुमार ने यहां पर भाई सिर्फ 1 बोनस लिया था। इसके अलावा भाई बात करें कृष्ण की तो कृष्ण ने भाई यहां पर भाई 1 टैकल किया था। मंजीत छिल्लर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। मंजीत की पता है क्या कहानी रही है भाई, या तो ये सुपर डुपर हिट होंगे या फिर ये सुपर डुपर फ्लॉप होंगे, तो ये चीज आपको थोड़ी सी मैनेज करके चलनी पड़ेगी कि आप संदीप और मंजीत में से किसके साथ जाना चाहोगे, संदीप नरवाल या फिर मंजीत छिल्लर, इन दोनों में से कोई भी एक बेस्ट प्लेयर आप चूज करके चल सकते हो। अब यहां से अगर देखो बात करें तो नवीन कुमार अगर 100% फिट होते और कंप्लीट मैच खेलते तो भाई आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आज के मैच में प्लेयर होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो विजय मलिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर यहाँ पर नवीन कुमार नहीं खेलते हैं तो उस कंडीशन भाई आप विजय मलिक के ऊपर रिस्क लेके चल सकते हैं, अदरवाइज भाई आप ड्रॉप करके चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आशु मलिक भाई एक बहुत ही बड़ी डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो सकते हैं जीएल मिनी जीएल में। इसके अलावा भाई स्मॉल लीग की बात करें तो देखो मैं आपको 2-3 प्लेयर बता देता हूँ जो आपकी टीम में होने होने चाहिए। नवीन 100% आपकी टीम में रहेंगे, संदीप और मंजीत में से कोई एक आपकी टीम में रहेगा। इसके अलावा जोगिंदर आपकी टीम में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण डुला आपके लिए जीएल मिनी जीएल के लिए बहुत ही बेहतरीन पिक रहेंगे, ठीक है। अब चले भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं
दूसरी टीम यानी कि भाई पटना पायरेट्स की, ठीक है। पटना पायरेट्स की परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हो, मोनू गोयत 2 touch point 7 bonus point, टोटल 9 point निकाले, ठीक है। सुनील की बात करें यहाँ पर, भाई इनका डिफेंस है ना इतना खतरनाक चला है कि किसी के चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी इन्हें। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई 6 tackle सुनील ने किया, 6 ही tackle यहाँ पर भाई चियाने ने किए, जो कि भाई लगातार बेहतरीन पे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। और भाई अगर ये ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे ना तो भाई पटना इस बार खिताब के काफी ज्यादा पास पहुंच जाएंगे और खिताब वो लेके भी जा सकते हैं, ठीक है। 5 touch point यहाँ पर निकाले सचिन ने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर भाई सचिन जो सी सचिन है आप इन्हें बोल सकते हो, या फिर सचिन चंद्रशेखर आप इन्हें बोल सकते हो, 2 tackle इन्होंने किए। नीरज कुमार ने भी यहाँ पर 2 tackle किए। प्रशांत कुमार राय आपके लिए जीएल मिनी जीएल की बहुत ही बड़ी डिफरेंशियल पिक होंगे, 2 touch point इन्होंने निकाले। अगर यहाँ पर देखो जैसे मोनू का दिन इतना अच्छा नहीं रहा था, मतलब बोनस पॉइंट ज्यादा लिए, अदरवाइज मतलब टच में इतना अच्छा दिन नहीं रहा था, ठीक है। वैसे ही भाई अगर भाई मोनू और सचिन दोनों का दिन अच्छा नहीं रहेगा तो भाई प्रशांत कुमार राय ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ही जैकपॉट परफॉर्मेंस दे के जाने वाले हैं, इस चीज में कोई भी डाउट आपके लिए नहीं रहना चाहिए। अब चलिए भाई यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीम्स की, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, तो एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और बता देता हूँ, मैं भूल गया था भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मोनू गोयत अगर स्टार्टिंग 7 का हिस्सा होंगे तो भाई आप ट्राई करके चल सकते हो, बाकी अगर मैं बताऊँ तो भाई मैं मोनू को ड्रॉप करके चलूंगा, ठीक है। वो क्यों आपको पता लग जाएगा अभी, ठीक है, जब मैं टीम बनाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। सुनील 100% टीम में रहेंगे, एस चियाने हमारी टीम में रहेंगे, नीरज हमारी टीम में रहेंगे, और यहाँ से सचिन हमारी टीम में रहेंगे, ठीक है। ये 4 player हमारी टीम में रहने ही रहने वाले हैं, बाकी देखते हैं। मैं हो सकता है मोनू को भी ट्राई कर लूँ, बट वो भाई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब चले भाई सीधा डेमो टीम की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको डेमो टीम बना के अभी की अभी दिखा देता। तो यहां से आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैं मोनू गोयत को ड्रॉप करने की बातें कर क्यों रहा हूं, ठीक है। तभी आपको पता लगेगा कि असली रीजन क्या था यहां पर मोनू गोयत को ड्रॉप करने के पीछे। तो यहां पर दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच मैच है। सबसे पहले भाई यहां पर रेडिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, नवीन कुमार 100% हमारी टीम में रहेंगे अगर स्टार्टिंग 7 का हिस्सा होते हैं तो। इसके अलावा सचिन तंवर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, और यहां से भाई सॉरी मैं गुमान सिंह की बात करना भूल गया भाई, उस टाइम गुमान सिंह आपके लिए बहुत ही बड़े डिफरेंशियल प्लेयर होने वाले, ठीक है। अब देखो इसकी एक दो मैच में खराब परफॉर्मेंस आने पर लोग इसे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर लास्ट मैच में आप देखो इसका 87% सिलेक्शन था, इस मैच में परफॉर्मेंस मतलब खेले नहीं थे, तो अगर इस मैच में खेलते हैं तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और देखो यहाँ पर सिर्फ 13% सिलेक्शन है, मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाले, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो एम चियाने आपकी टीम में होने चाहिए। मोनू गोयत को मैं क्यों पिक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भाई फिर मेरे को मनजीत को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर मनजीत तो भाई डिफेंडिंग सेक्शन में गए, तो फिर या तो भाई मेरे को मतलब यहाँ से संदीप नरवाल को भी ड्रॉप करना पड़ेगा और विजय को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑलराउंडर दूसरा लूंगा ना तो भाई मैं सीधा सीधा संदीप नरवाल के साथ जाऊंगा, बट अभी के लिए मैं किसी के साथ यहां से नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से जो नीरज कुमार है ये हमारी टीम में 100% रहेंगे। इसके अलावा भाई मनजीत को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, सुनील को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, और यहां से भाई एक प्लेयर और कापेगा जोगिंदर सिंह नरवाल को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, जोगिंदर नरवाल या फिर भाई आप मनजीत छिल्लर की जगह पर संदीप नरवाल की ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप गुमान सिंह को ट्राई कर सकते हो अगर स्टार्टिंग 7 में होते हैं। और अगर भाई यहां पर नवीन कुमार नहीं खेलता तो डायरेक्ट इसकी जगह पर भाई यहां पर विजय मलिक आ जाएगा, ठीक है। विजय कुमार या विजय मलिक जो भी आप बोलना चाहो, विजय कुमार बोल लो आप, क्योंकि विजय कुमार के नाम से ही मेंशन है प्लेयर, ठीक है। अब यहां से बात कर लेते हैं सीवीसी की, तो कैप्टन भाई यहां से मैं बनाने वाला हूं किसको, एम चियाने को, और वीसी भाई मेरा रहेगा नवीन कुमार अगर स्टार्टिंग 7 में होता है तो। अदरवाइज भाई आप यहां से सचिन तंवर के साथ जा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से यह टीम आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है, और 4 GL की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगी, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। स्मॉल लीग की टीम मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होता है तो भाई उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी मैं 7th player में कंफ्यूज हूँ कि मैं जोगिंदर नरवाल के साथ जाऊँ या फिर भाई यहाँ पर मैं संदीप को जगह दे दूँ या विजय कुमार को जगह दे दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मतलब मैनेज करके चलनी पड़ेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।